सब कहते थे मैट्रिक कर लो उसके बाद सुकून है। फिर इमरान खान ने आके बताया कि सुकून तो सिर्फ कब्र में है। तो मेरे पाकिस्तानियों, सर्दियां आ रही है, सबसे पहले आपने नहाना नहीं है। चलो मोहब्बत को आग लगाई जाए मुर्शिद, और इसी आग में बिरयानी पकाई जाए। पापा जी कहते हैं मुर्शिद, जहाँ दाल न गले वहाँ साग पका लो। मुबारक हो, वो दिन आ गए जब लड़कियाँ लुंडे की जर्सी पहनकर बोलेंगी भाई ने दुबई से भेजी है। सुनो लड़कियों, कभी अपना NIC वाला फोटो भी DP में लगाओ ना, वो भी तो अपना ही है। मोहब्बत का मीम भी निराला है मुर्शिद, मिल जाए तो मियाँ, ना मिले तो मामू। यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इंटरनेट फ्री है या हम लोग। ना तो मैं सिंगल हूँ और ना ही रिलेशनशिप में, बस अम्मी के भरोसे बैठा हूँ। गुरु साहब, क्या आपको पता है कि बीवी और टीवी में कोई फर्क नहीं होता, एक ड्रामा खत्म तो दूसरा शुरू। आजकल प्यार करने से बेहतर है बंदा कमेटी डाल दे, यकीन तो होता है कि हमारी है और हमको ही मिलेगी। मेरे दोस्तों को देखकर तो शैतान भी कहता है आइए उस्ताद आजम। भले ही आप कोरोना वायरस को मजाक में ले रहे हो, जब आपको जुकाम और खांसी होगी ना तब आपकी। पाकिस्तान में किताब लिखने वालों से ज्यादा तावीज लिखने वाले कमा लेते हैं, खास तौर पर जल्द शादी करने वाला। जादू देखने तो ब्यूटी पार्लर में देखो मुर्शिद, जो बांदरी को शहजादी बना देता है। लड़कियों को अपने वाला हाजी और बाकी सब ठरकी ही लगते हैं। So sexy. मेरी मासूमियत पर मत जाना मुर्शिद, मैं थप्पड़ मार के भाग जाती हूँ। वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिनके बच्चे तालीमी इदारे खुलने से ज्यादा उनके बंद होने पर खुश होते हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि सिंगल लोगों के लिए एक ऐसा होटल बनाए जहां वेटर्स आकर उनसे पूछे मेरे बाबू ने थाना खाया। हर जगह पे इज्जत है अल्हम्दुलिल्लाह, सिवाय अपने घर के। गुरु साहब कुछ हार गया। बचपन GTA YCT की गलियों में गुजर गया और जवानी PUBG के जंगलों में। काफर तो तरसता है त्योहारों को, ए मुसलमान तू किस्मत वाला है जो हर हफ्ते ईद मनाता है। अब इधर सुनो, नमाज कायम करो, रोते रह जाओगे जिस दिन सजदे की ताकत नहीं होगी।